नमस्कार मु तपन आस संपूर्ण खबर को कोलकाता म्यूजियम गुलिकांड घटन तदंत जारी काहीं ओ क्यों परिस्थिति रे साथी जवान को ऊपर को गुली चलाइथिले सीआईएसएफ रो हेड कांस्टेबल अक्षय कुमार मिश्र मानसिक चाप थिला ना अन्य किछि कारण ताहर तदंत करुछि कोलकाता पुलिस सबरे अभियुक्त सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल अक्षय मिश्र संपर्क में सामना को आसी नुआ तथ्य एप्रिल 26 तारीख रे से ढेंकानाल कामाख्या नगर ब्लॉक तुमुसिंगा थाना अंतर्गत माछिया गांव को आसीथिले बापांकर शुद्धिक्रिया रे जोग देबा परे तांको दादांकर परलोक होइथिला फलर से दादांकर शुद्धिक्रिया मध्य शेष करिबा सहित गांव रे प्राय एक मास धरि रहिथिले एहा परे पूर्णि से कोलकाता जाइथिले दुई वर्ष हेबो से कोलकाता रे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल भाबरे दायित्व तुलाई आसुथिले तबे वर्तमान ओडिया जवान जनक प्राय 10-15 वर्ष 15 वर्ष खंडे सी तो रोते हाँ बाहर नहीं रखुले गोटे हाँ राउरकेला सान पुओ पाखे सब थे ये अक्षय मिश्र जी से फैमिली हाड़ नहीं जाते कौटे ढेकाना कौटे अच्छे कौन क्या ना भल मनीष थे भल लोक बहुत रेस्पनसबिलिटी लोक थे आशा कर जो कांड कले प्रकृति में किसी खेल प्रकृति ना नहीं किसी खेल प्रकृति लोक से ना हाँ कौन परिस्थित पड़े होती ना खेल प्रकृति लोक ना तेब ए संपर्क में अधिक आलोचना आम सहित रही प्रतिनिधि आशीष शतपथी सीधासख ढेंकानाल माछिया गांव आम सहित जोड़ी होती आशीष आपड़ किसी समय पूर्व कहते पर लोकों प्रतिक्रिया ने प्रकृत में किसी स्पष्ट है पुणी काही छुट्टी से आवेदन करुले बोध आशीष सहित जोजोग पुनर्वार चेषा करशीष सहित जोजोग ढेंकानाल कामाख्या नगर तुमुसिंगा माछिया गाँव में जदि आम देखा ओडिया जवान अक्षय मिश्र घर तेरे क्यों परिस्थिति रे एभली मानसिक स्तर रे से अच्छा परवर्त खबर को गतकाली जदि आम देखा जे गतकाली अक्षय तांकर सर्विस राइफल जहाँ घटना रोला जे गतकाली अक्षय तांकर सर्विस राइफल AK-47 अचानक 25-30 राउंड गुड़ चलते एएसआई रंजित कुमार षडंगी मृत्यु होता बेले अन्य जड़े हेड कांस्टेबल सुबीर घोष आहत होते कोलकातार SSKM हस्पिटाल चिकित्सा निम्ते भर्ती करुक्त अक्षय मिश्र को गिरफ्त कर अक्षय घर ढेंकानाल जिला कामाख्या नगर कमघरा कामाख्या नगर अंचल जमापड़ मृत एएसआई रंजित षडंगी ओडिशार बोली जमापड़ सूत्र मिली सूचना अनुजाई निकटने अक्षय बापा मृत्यु होता शुद्धिक्रिय जोग देवा से छुट्टी आवेदन भी करते गांव को भी आसी दादा मृत्यु घटी से छुट्टी रही थे गतकाली म्यूजियम गेट बंद होगा बेलक कौन कारण को नहीं साथी जवान सहित जुक्तितर्क आरंभ होता एत्क्षिप्त हो निजर AK-47 सर्विस राइफल ने आखि बुजा गुड़ चलते अक्षय एएसआई रंजित मृत्यु होता बेले अन्य जने कांस्टेबल आहत होती लंकाकांड हटाइबा परे आत्मसमर्पण करते अक्षय पखापाखि एक घंटा धरी हाई ड्रामा चली कोलकाता म्यूजियम भितर एवं अक्षय को बुझासुझा करने आत्मसमर्पण करने पखापाखि एक घंटा लग जा सीआईएसएफ अन्य जवान मैंने रही कोलकाता पुलिस को बुलेट प्रूफ जैकेट सहित पुलिस एवं सीआईएसएफ अन्य जवान माने घटनास्थल में पहुंची एवं पालटा गुलीमाड़ कर सूचना रही काबू करते से आत्मसमर्पण कर सूचना रही आशीष आम सहित सीधासख ढेकाना उपस्थित रही आम सहित अधिक आलोचना करने आशीष किसी स्पष्ट है प्रकृत में कौ कारण से पुणी छुट्टी आवेदन करते अक्षय मिश्र
देखो निहाती भाव में गोटे कथा तो स्पष्ट हो सारी आम जो मछिया गाँव में पहुंची जहाँ ग्रामवासी कहते संपर्क कहते जो बापा देहांत होता से शुद्धिक्रिया जोगदे छुट्टी में आसी परवर्त समय दादा देहांत जोगद ग्रामवासी गाँव में पखापाखि एक मस धरी रहा से पुणी थे निज कर्म क्षेत्र को फेरी स्पष्ट हो छुट्टी जो कथा कहु बापा शुद्धकर शुद्धिक्रिया जोगदे आसवाक से छुट्टी आवेदन करते नुहे कि पक्षर अगर किसी कारण रही जो कांड प्रकृत से कौन कारण से कारण रही जो गुड़ वर्षा करने बाध्य पुणी जी रही उपरीत अधिकारी रही सहित आम सहित किसी युवक रही जो मैंने मछिया गाँव रही लगातार भाव में आम सहित जोड़ी हो प्रतिक्रिया नौ कौन कह आपको पचार चाहबू जो प्रकृत से गाँव को जो लास्ट टाइम आसी बापा शुद्धिक्रिया जोग देते से भाई किसी लक्षण देखा जाता कि ना कौन से डिप्रेसन नीले कौन किसी रही मन भितर कौन कथ रोला ना से किसी डिप्रेसन ना भाई लगुला बट जो भी सी आसती समस्त सहित भलसे मिशंती भलसे कथबार्ता हमें बट से किसी नाला कि डिप्रेसन कि हाँ एमती गोटे कांड हम सेम कि ना घर लोक गाँव में कमी कौन रुहत दिन रुहत जो आसती आसन जिते बहुत अल्प दिन रहा गोटे दी दिन रहा बट जिते भी रहा सब मान गाँ सब आड़े बुलिक कथबार्ता समस्त सहित भलसे कथबार्ता हूँ निजे अक्षय मिश्र जिते गाँव को आसते मछिया गाँव को दिन रुहत गाँ लोक सागे जहाँ अन्न मैंने कहते भलसे मिसामिशी करती तो कमी आपत क्लोजली रही थे हाँ से जिते आसती अल्प टाइम रुहत बट जिते भी आसती जहाँ को देखती आम एज्र पिला जहाँ को देखते पाठ पढ़ा विषय में कौन कलुन कौन ना से सब पचारती बहुत भल भाव पचार भलसे कथबार्ता भी हूँ तो निहाती भाव में आउ जे अच्छा आप अक्षय मिश्र को कमी जानते भाई हाँ भल लोक से जिते आसे कह पे कौन करुच कौन काम फाम कर पाठ पढ़ु सब भल मंद पचारती गाँव रण के समस्त भल अच्छा कि ना समस्त की पचारती दादा जिते आसती दि भाई जंग जिते जहाँ को देखिले छोटू बड़ पर्यटन समस्त की भी पचारती अच्छा काली जितेबले सर्विस राइफल रु पाखापाखि 25-30 राउंड गुड़ वर्षा है बचसा होता तो ये घटना बर्तमान जिते सामना को आसी कि पूर्व से भाई कौन अपराधिक कार्यकलाप रही है कि ये जो गाँव को आसती पूर्व आप जानवे किसी से भाई कि कौन मामला ना कि अपराधिक कार्य करती माड़ गोड़ कौन क्या सागर ना एमती तो आम गाँव में क्या सागर भी सी लगे कौ दिन भी आम जानू झगड़ा केवे क्या सागर हवा भी क्या भी के कहते से जहाँ को भी पार्टी करेंगे कहीं बेले माड़ उड़ हो कहीं कौन हो समस्त सी भी बुझे क्या किसी कहुन तो कौन कह घटना घटना पर कौन अनुमान करते वर्ष होगा से प्रकृत में सीआईएसएफ रे काम करते कलिकता पूर्व से क्योंकि कम करते एमती कहीपर से रहती कौटे एमती ठीक से मुझे जानी से आसती तो गाँव को जो आम खाली जानू कौट रही कौन मुझे जानी ठीक से तो कौन भाव आज जो युवक अच्छे जोड़े कौन भावुंत प्रकृत में कौन कारण होपे जदि से जन भद्र लोक रही गाँव को जिते आसती समस्त सहित भलसे मिशंती टाइम स्पेड करती कौन कारण हो पारे जे बचसा है 25-30 राउंड गुड़ फुटे बाध्य भितर जहाँ ड्यूटी भितर स्टाफ भितर बचसा है बचसा हवा भितर चाहते ग्रामवासी हिसाब से सहित बहुत क्लोजली मिशुले घटना ठीक सठीक भाव तदंत कले खुशी हूँ निहाती भाव में तपन प्रतिक्रिया शुणुते जो मैंने ग्रामवासी रही विशेषकर युवक मैंने जो रही कथा जानापी चाहिए जवान जी रही अक्षय पखापाखि केते दिन हेबो से सीआईएसएफ रे काम करि आसुथले परिवार लोक जो आखपाख लोक मान रही किसी प्रतिक्रिया रही के मानसिक चापरे रहुथले कौन उच्चपदस्थ अधिकारी कौन मानसिक चापग्रस्त करने कि बारंबार फोन आसुथला से भले किसी हो देखु ग्रामवासी सहित आम आलोचना करने जहाँ गोटे जिनस जानवाक पाच जितेबाला शेष थरपाई गाँव को मध्य आसी पखापाखि एक मस धरी रही थे बापा और दादा शुद्धिक्रिया समय काट सहित बाद किसी समय ग्रामवासी सहित बीते पर लोक सहित बीते निज कर्म क्षेत्र को फेरी कौन अपराधिक कार्यकलाप पूर्व ना से भली खल प्रकृतिर लोक से नस्ते
କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟି ସାରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରହିଛି ଯେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ କୋଟି ନା କୋଟି ଦାବି ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ରହିଥିଲା, କାହିଁକି ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏତେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ନୀତି ଆୟୋଗରେ ନବୀନଙ୍କର ଦାବି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଫୋକସ ଷ୍ଟେଟ ମାନ୍ୟତା ଦାବି, ଦାବି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ତେଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ସହିତ ଅଧିକ ଅନୁଦାନ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକ ବସିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏ ବୈଠକ। ତେବେ ବୈଠକରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି, ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ମାନ୍ୟତା, କୃଷି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାହ୍ୟା ମାନ୍ୟତା ଦେବା ସହିତ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ନବୀନ ପୁଣି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ନୀତି ଆୟୋଗ ସମ୍ମୁଖରେ। ତେବେ ନୀତି ଆୟୋଗରେ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ସହିତ ଅଧିକ ଅନୁଦାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କିଛିଦିନ ନୀତି ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତି ଆୟୋଗର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଏହା ସହିତ ଅଧିକ ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସାମ୍ନା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ତାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟୁଛି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି ରହିଛି ତାହା ଉପରେ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ତେଣୁ ଅଧିକ ଅନୁଦାନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ନୀତି ଆୟୋଗ ସମ୍ମୁଖରେ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁକି ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବିନୀତ ଝା। ବିନୀତ ଜାଣିନା ଚାହେଁଗେ ଯୋ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀ ଯେ ଯୋ ଫିର ସେ ଅର୍ ଏକ ବାର ନୀତି ଆୟୋଗ କେ ସାମ୍ନେ ଯୋ ଏ ତମାମ ବୈଠକ ଚାଲ ରହା ଥା, ଫିର ସେ ଓହି ମୁଦ୍ଦା ଉଠାୟା ହେ ଔର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଫୋକସ ଷ୍ଟେଟ କା ଯୋ ଦାବି ହେ ବୋ ଫିର ସେ ଉଠାୟା ହେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେ। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने नीति आयोग की जो बैठक हुई उसमें राज्य को विशेष रियायत देने की मांग की है। जैसा कि उन्होंने मैं साफ तौर पर जब अपनी वो बात कर रहे थे तब उनका साफ तौर पर कहना था कि उड़ीसा में हमने देखा है कि पिछले बीते दिनों कई कैलामिटी आए हैं, कई आपदाएँ आए हैं जिससे उड़ीसा बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और ऐसे में उड़ीसा को कुछ रियायत देने की मांग जो है उन्होंने की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर वह पूरे देश का विकास चाहते हैं ऐसे में उड़ीसा का विकास भी काफी महत्वपूर्ण है और उड़ीसा में के विकास के लिए उन्होंने केंद्र से सहायता की मांग की है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि नवीन पटनायक ने पीएम जो आवास योजना है उसमें भी कुछ तब्दीली करने की बात की है, चाहे वो पीएम शहरी आवास योजना हो या पीएम ग्रामीण आवास योजना हो उसमें भी तब्दीली करने की मांग की है ताकि उड़ीसा के लोगों को अधिक से अधिक फायदा हो सके। उनका साफ तौर पर कहना है कि उड़ीसा की जो भौगोलिक स्थिति है वो राज्यों से अलग है, ऐसे में पीएम की जो शहरी आवास योजना है या ग्रामीण आवास योजना है उसमें उड़ीसा को कुछ रियायत देने की वो मांग कर रहे हैं ताकि उड़ीसा का भी विकास हो सके और अल्टीमेटली जो विकास है वो पूरे देश का विकास हो सके, इसीलिए वो इस रियायत की मांग कर रहे हैं। तो आज नीति आयोग की बैठक में जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने केंद्र से विशेष रियायत की मांग की है, विशेष पैकेज की मांग की है ताकि प्रदेश का जो विकास है वो सुनिश्चित किया जा सके। जी विनीत, और एक चीज भी जानना चाहेंगे, जो नवीन जी ने जो प्रस्ताव रखा था नीति आयोग के सामने कि हमें स्पेशल फोकस स्टेट की मान्यता चाहिए, इसके बाद नीति आयोग का रिएक्शन क्या था, पॉजिटिव रिएक्शन मिला या फिर कोई अलग ही रिएक्शन मिला?
जी निश्चित तौर पर अभी जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की जो मांगे थी उसे गंभीरता से सुना है। हालांकि यह एक प्रक्रिया होती है, यहाँ पर नीति आयोग जो है वो उसे एक प्रक्रिया का फॉलो करना पड़ता है और उसके बाद ही जो है वो जो फंड रिलीज किए जाते हैं वो फंड रिलीज किए जा सकते हैं। हालांकि जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात को गंभीरता के साथ सुना है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र और राज्य की जो संबंध होते हैं उसको बेहतर तरीके से बनाने के लिए और उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए ही इस तरह की बैठक जो है नीति आयोग की बैठक जो है वो की जाती है। इस तरह का प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किया जाता है जहां पर केंद्र के प्रतिनिधि और राज्य के प्रतिनिधि दोनों ही मौजूद रहते हैं और दोनों ही अपनी एक दूसरे की बात करते हैं ताकि बेहतर तरीके से इन चीजों को लागू किया जा सके। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री की ओर से जब बातें कही जा रही थी जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि की बात की, किसानों की बात की, किसानों की आय बढ़ाने की बात की, साथ ही साथ जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है उसकी बात की। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी हो जाती है कि जिस तरह से नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, लोगों के स्किलिंग की बात की ताकि लोगों को अधिक से अधिक स्किल में जो है वो दिया जा सके, स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा सके, इसकी भी बात जो है वो नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। जी तो उड़ीसा को स्पेशल फोकस स्टेट के बाद और कौन से मुद्दे थे और कौन से प्रस्ताव थे जो नवीन जी ने नीति आयोग के सामने रखा है? जी मैम, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार नवीन पटनायक जो है वो साफ तौर पर वह चाहते हैं कि वह जो स्पेशल ग्रांट जो है वो उड़ीसा को दिया जाए और कुछ मामलों में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कुछ मामलों में उड़ीसा को अलग से छूट दी जाए। जैसा कि हमने आपको यह भी बताया कि जो अब प्रधानमंत्री आवास योजना की जो बात होती है केंद्र में स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसमें जो मैक्सिमम फंड होता है वो केंद्र सरकार का होता है, तो ऐसे में वो चाहते हैं कि वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है या फिर वहाँ की जो स्थिति है उसको लेकर के कुछ सुधार जो है वो किए जाए और इसीलिए उन्होंने स्पेशल फंड की भी मांग की। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह से हमने देखा कि उड़ीसा में जिस तरह की कैलामिटीज आते हैं, नेचुरल कैलामिटीज की बात नवीन पटनायक ने की और उसके बिहाफ पर उन्होंने केंद्र सरकार से अलग से फंड की मांग की है, तो यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रदेश के विकास को लेकर के नवीन पटनायक ने पूरी तरह से सजगता दिखाई है। और जैसा कि नवीन पटनायक ने अपने जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार, जैसा कि नवीन पटनायक ने अपने स्पीच में यह भी कहा है कि अगर पूरे भारत को विकसित करना है तो सभी राज्यों को भी साथ में बढ़ाना होगा, सभी राज्यों को विकसित करना होगा और इसी कड़ी में उन्होंने उड़ीसा के विकास की भी बात की और स्पेशल ग्रांट की भी बात की। जी तो यह भी हम देख सकते हैं कि एनडीए का अभी जो नारा है पूर्वोत्तर का विकास किया जाएगा, पूर्वोत्तर का विकास होगा तो देश का विकास और जल्दी हो पाएगा, इसी के हिसाब से उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन जी ने जो स्पेशल फोकस स्टेट का मान्यता दावी किया है बा अपना जो प्रस्ताव रखा है उसको गुरुत्व के साथ लिया जा सकता है क्या? ये निश्चित तौर पर निश्चित रूप से आम सहित रही है नूआदिल्ली प्रतिनिधि विनीत झा, जहाँ अधिक सूचना देते जे नीति आयोग बैठक में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पुणी ओडिशारे स्पेशल फोकस स्टेट मान्यता दावी करिछंती। ओडिशारे बारंबार प्राकृतिक दुर्विपाकर सामना करुछि ओडिशा एवं अन्य प्रसंग गुड़िक मध्ये उपस्थापन करिछंती मुख्यमंत्री नीति आयोग सम्मुखें। अच्छा परवर्ती खबर को एवं नजर पकाया पानीपाग संपर्कित खबर उपरे, उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एवं पार्श्वर्ती अंचल रे सक्रिय रही घूर्णिबलय लघुचाप एवं सुदृश्य लघुचाप क्षेत्र में परिणत होई, आगामी 48 घंटा मध्य आहुरी घनीभूत हुई यहा अवपात रे परिणत होवार संभावना रही। लघुचाप प्रभाव में गत 24 घंटा रे राज्य में 30.9 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जाई, जहां स्वाभाविक वर्षा 4.3 मिलीमीटर तुलन में 116 प्रतिशत अधिक रही। नयागढ़ बरमूल में सर्वाधिक 229.4 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड हो, सातटी जिले में अति प्रबल वर्षा हो,
पानीपाग विभाग कहिछि लघुचाप प्रभाव में पूरी खोर्धा गंजाम जगतसिंहपुर कंधमाल कलाहांडी बलांगीर मालकानगिरी बौद्ध और कोरापुट रे अति प्रबल वर्षा होवार संभावना रही दृष्टि रखी सबु जिला ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायछि। सेहुली नुआपड़ा सोनपुर बरगढ़ नवरंगपुर रायगढ़ गजपति अनुगुल ढेंकानाल कटक नयागढ़ भद्रक बालेश्वर जाजपुर और केन्द्रापड़ा को येलो अलर्ट जारी करा जायछि। आजिठारु आहुरी बढ़िबो वर्षा 9 तारीख पर्यंत विभिन्न जिले में अति प्रबल वर्षा लागि रहिबो। अति प्रबल वर्षा प्रभाव में पहाड़िया अंचल रे भूस्खलन आशंका रही तलुआ अंचल अंडरपास रोड रे पानी जमिबा सहित कच्चा रास्ता और कच्चा घर प्रभावित होबार आशंका रही पानीपाग विभाग कहिछि। उपकूलवर्ती जिले में घंटा प्रति 45-55 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना रही समुद्र अशांत रहिबा जोगु मत्स्यजीवी को समुद्र जिबाकु बारण करा जायछि। कलाहांडी प्रबल वर्षा फल विभिन्न जनबसती अंचल पशिला पानी पानीघेरे रही बहु घर जयपाटणा जोरखंडी पड़ारे पानी पशिछि। प्रबल वर्षा जोगु निकटस्थ इंद्रावती सब माइन केनाल ले पानी निष्कासित हो न पारी केनाल पानी गांव भितर को मारि जाइछि। लोके नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन हेउथबा सूचना रहुछि। नयागढ़ में वर्षा जारी रही दशपला ब्लॉक अंचल में दुई दिन लगाण वर्षे तलिया अंचल जलमग्न हो चड़ियापल्ली गांव निकटे साहस पंका नाल में पा आसी प्राय 300 एकर जमि में धान चाष धोई हो जमि में 2-3 फुट उच्चर पा प्रवाहित हो चारे जलमग्न हो स्थानीय अंचल को जोजोग एक प्रकार विच्छिन्न हो फले लोके असुविधार सम्मुखीन होती। तेरे राज्य में वर्तमान तुहाकु तुहा वर्षा जारी रही विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा होता सूचना रही जार प्रभाव में नयागढ़ जदि आम देखा पखापाखि 300 एकर अंचल धान चाष नष्ट सूचना रही तेरे संपर्क में अधिक आलोचना करने आम सहित रही प्रोफेसर संदीप पट्टनायक रही पाणीपाग विज्ञानी प्रोफेसर पट्टनायक आप गोटे कथा जानापी चाहिए जो भाई मात्र वर्तमान वर्षा हो आगो को लघुचापर वर्षार प्रभाव एबे भी बाकी रही भी लघुचाप वर्षार प्रकोप आसी ना राज्य में तेज सेतबेले जेतबेले वर्षा हेबो केते मात्रा रे वर्षा होई पारे आपण को पूर्वानुमान कहुची। नमस्कार बर्तमान देखुं जो दक्षिण अभ्यंतरण डिस्ट्रिक्ट मैंने अच्छा कंटिन्यूअसली हेवी रेनफॉल पाँच आउ पाइबे आज लगुच जो आम गंजाम रायगढ़ गजपति कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर कलाहांडी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल पाइबार संभावना रही ये परिस्थिति आक्यूट हो मतलब लगुच कतल से सदृश लघुचाप डिप्रेशन को अवपात को से एम्प्लीफाई हम से देखिए से कोरापुट नवरंगपुर रीजन रे आहुरी पिक रेनफॉल रही काली 8 तारीख भी से जगह रही कौन हम तापर तार मूवमेंट आरंभ हो 9 तारीख दिन सका से बोधे क्रॉस करुची ओडिशा कोस्ट मोस्ट लाइकली लगुच पूरी बालेश्वर रीजन रे क्रॉस करुची तार जो पाखापाखि से कोस्ट पाखे प्रभाव पकेबा आरंभ हम से देखिए उत्तर ओडिशा कोस्टल ओडिशा और पश्चिम ओडिशा रे बेसी वर्षा आरंभ हम पर्टिकुलरली 9 रु जो 11 पीरियड रही भी पिक रेनफॉल पीरियड रही उत्तर ओडिशा कोस्टल ओडिशा हेवी रेनफॉल सम गोटे आइसोलेटेड पैचेस एक्सट्रीम रेनफॉल आउे एपिसोड सरला पुणी आउ गोटे एपिसोड बोधे स्टार्ट हम 13 अगस्त आड़े तार प्रभाव पिक रेनफॉल 15 तापर भी मनसून निम्न चापरेखा प्रतिफलन आपण 20-21 पर्यंत भी वर्षा कंटिन्यू कर तेणु ओवरऑल सिनारियो ओडिशा को वर्षा मिलिबो आ बेसी भी वर्षा मिलिबो नि जे बन्या टाइप रो सिचुएशन सृष्टि हे जइबो एक्सेप्ट हमर जो मालकानगिरी कोरापुट रीजन दा सेठी बेसी वर्षा मिलिबो किंतु समस्त जिल्ला को भल वर्षा मिलिबो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को आउरी एक्सेलरेट करिया हा तबे जे नियंटिया वर्षा कथा कुहा जाउतला ए नियंटिया वर्षा एथिरे भरणा होइ जइबो हाँ नियंटिया बर्तन आम जो डिस्ट्रिक्ट मैंने अच्छा बलांगीर कलाहांडी आम कोस्टल भद्रक अच्छी मतलब लगुच डिस्ट्रिक्ट से जो नेक्स्ट 3 दिन आसमें मेकअप हो किंतु आमर जो उत्तर ओडिशा डिस्ट्रिक्ट अच्छा सुंदरगढ़ संबलपुर अनुगुल झारसुगुड़ा मयूरभंज मतलब लगुच से 9 तारीख पर वर्षा पाइबा आरंभ करेंगे नेक्स्ट 48 घंटा एत वर्षा नहीं
କିନ୍ତୁ 9 ତାରିଖ ପରେ ରୁ 11 ତାରିଖ ଲାଗୁଛି ସେ ଏପିସୋଡ୍ରୁ ସେମାନେ ବର୍ଷା ପାଇବେ ସେଥିରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସେଟା ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଯିବ ଯେଉଁ ଡେଫିସିଟ୍ ଅଛି ତାପରେ ବି ଫଲୋଅପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରୁ ବର୍ଷା ପାଇବେ ତେଣୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ 2021 ଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିବା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଯାଇଥିବେ तबे जो लघुचाप आसुची जदि आमे देखिबा से लघुचाप प्रभाव रे विशेष करी कि केउ केउ जिला गुड़ी को अत्यधिक वर्षार सम्मुखीन हेबो बोली आपन को अनुमान हां वर्तमान आपन देखिबे नेक्स्ट जो 48 घंटा आपन नेक चलंतु 7 रु 9 आपन को जो लाइन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स रहउची गंजाम गजपति रायगडा नवरंगपुर कोरापुट मालकानगिरी कलाहांडी कंधमाल ये लाइन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स टा लागुची बहुत रेनफॉल पाइबो 9 तारीख पोरे से वर्षा रो जो फोकस एरिया टा चेंज होबो सेटा कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स को आसीबो आ उत्तर ओडिसा डिस्ट्रिक्ट्स को आसीबो से माने भी उत्तर ओडिसा कोस्टल डिस्ट्रिक्ट भी 9 रु 11 वर्षा पाइबे किंतु जो परिमाण रो वर्षा टा सेटा बहुत रहइबो हमर जो दक्षिण अभ्यंतरण डिस्ट्रिक्ट्स मु जो कहली वर्तमान सेही डिस्ट्रिक्ट्स रे बेसी रहइबो बलांगीर संबलपुर भी वर्षा पाइबे किंतु मोस्टली सामान्य 9 तारीख परे वर्षा पाइबे किंतु नेक्स्ट 48 घंटा ए जो हमर दक्षिण अध्यंतरण डिस्ट्रिक्ट एडजेसेंट टू साउथ छत्तीसगढ़ एडजेसेंट टू आंध्र प्रदेश से माने बेसी वर्षा पाइबे तबे 9 तारीख परे पूणी लघुचाप क्षेत्र बा लघुचाप बलय सृष्टि हेबार केछि संभावना आपण देखु छंती कि हां जे 9 तारीख रे जो बर्तन वर्षा कथा कहू छ उत्तर ओडिसा कि उपकूलवर्ती ओडिसा से एई लघुचाप क्षेत्र सुदृश लघुचाप क्षेत्र अवपात रे परिणत हे जो मते लागु छि काली काली राती की 9 तारीख सकाळे से अवपात रूप परिणत हे कि क्रॉस करबा आरंभ करबो तेणु एई जो वर्तमान आमी जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस विषय कथा होछ से ही इंपैक्ट दबो 9 रु 11 आज्ञा तापर जो सिस्टम टा आसीबो से 13 रे आसीबो से प्रशांत महासागर आसीबो बोदे 12 तारीख राती रे से गोटे आमर गोटे साइक्लोन लैंडफॉल हबो वियतनाम रे तार अवशिष्ट आसीबो 12 तारीख दिन सीए डेवलप हबो 13 तारीख दिन तार जो इंपैक्ट आपन देखिबे कोस्टल ओडिसा हो उत्तर ओडिसा हो पश्चिम ओडिसा हो निश्चित भाबरे आमी मध्ये सजाग रहबार आवश्यकता रहउची बहुत बहुत धन्यवाद देबा को चाहेबि पानीपा विज्ञानी आमसित रहितले सुत संदीप पटनायक आमसित रहितले आलोचना करथले बहुत बहुत धन्यवाद आपनको समस्त आलोचना पाई।